हेलो गाइज, वेलकम टू द न्यू ब्लॉग। तो दोस्तों, रात भर का सफ़र कंप्लीट हुआ और अभी जस्ट सवेरे हुआ है। दोस्तों, एक काफ़ी बड़ी नदी मिली है और यहाँ पर देख सकते हैं कि देखने में काफ़ी बड़ी है पर इसमें पानी बहुत ही कम है। लगता है छोटा सा नदी, अभी पानी नहीं है लेकिन यह नदी बहुत ही चौड़ी है। दोस्तों, झारखंड से बाहर निकलते हैं, देख सकते हैं कि पेड़ों की संख्या बिल्कुल ही कम हो चुकी है। बीच बीच में पेड़ दिख रहा है और बाकी जगह खाली ही खाली है। काफ़ी दूर बाद दोस्तों अब मिला है बबूल के पेड़ का जंगल। देख रहे हैं कि चारों ओर केवल बबूल का ही पेड़ दिख रहा है। ये देख दोस्तों, ट्रेन में सफ़र करते करते मुझे यही बात सबसे ख़राब लगती है ट्रेन की, कि किसी भी जगह पर अचानक से रोक देता है, चाहे जंगल हो या नो सिग्नल मिलने पर किसी भी चौराहे पर रोक देती है। और यहाँ का व्यू काफ़ी प्यारा लग रहा है, काफ़ी अच्छा ट्रेनिंग है। आप अपने ट्रेन को पूरी तरह से देख सकते हैं आप, तो ये व्यू काफ़ी शानदार है। मैं अपनी खिड़की से ही देख रहा हूँ और बाहर का नज़ारा भी काफ़ी सुंदर लग रहा है। पेड़ में पत्ते बहुत ही कम दिख रहे हैं और वाकई में ये दृश्य बहुत अच्छी है। तो दोस्तों, ट्रेन का सफ़र होता ही है बोरिंग अगर लंबी दूर तय करनी हो। तो दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं कि हम भी दूर हो रहे हैं। लगभग मेरा एक दिन का सफ़र कंप्लीट हो चुका है और भूख भी लग रहा है क्योंकि चावल नहीं खाने से मन ही नहीं भरता है। दोस्तों, ये कैसा जंगल देखने को मिल रहा है जिसमें हर पेड़ में सिर्फ डाली ही डाली देखने को मिल रही है, सूखी सूखी लकड़ी जैसा। पत्ते तो बिल्कुल ही नज़र नहीं आ रहे, सिर्फ एक दो पेड़ ही में पत्ते दिख रहे हैं। दोस्तों, मैं पहली बार ट्रेन के सफ़र पे बोरिंग हो रहा हूँ क्योंकि दोस्तों मेरा स्लीपर का टिकट कंफर्म नहीं हुआ था, जिसके कारण मुझे शेयर करना पड़ रहा है सीट, और मैं सही से सो भी नहीं पा रहा हूँ और सही से खाना भी यहाँ पर नहीं मिल रहा है क्योंकि घर से तो सख्त मना है कि बाहर से खाना लेना ही नहीं है। ये दृश्य है दोस्तों जब यात्रीगण स्टेशन पर ट्रेन का वेट करते हैं, मैं भी वेट करता हूँ और आप सभी भी वेट करते हैं। ये दृश्य भी काफ़ी, मैं दोस्तों काफ़ी टाइम से देख रहा हूँ कि इस पर ऐसे ही खेत दिखे जा रहे हैं जिस पर हल जोता हुआ है और काली काली सी मिट्टी दिख रही है। यह बहुत ही दूर दूर तक दिखे जा रहा है। और यहाँ दोस्तों हमारे राज्य झारखंड जैसे तो पहाड़ के नामों निशान नहीं दूर दूर तक दिख रहा है। बहुत ही दूर के बाद एक छोटा सा पहाड़ दिख रहा है, वो लगता है दूसरे स्टेट पे होगा, लेकिन इस स्टेट में मुझे ऐसा लग रहा है कि दोस्तों पहाड़ी नहीं है। मैं काफ़ी टाइम से देख रहा हूँ, लगभग 8-9-10 घंटे से मैं देख रहा हूँ कि एक भी पहाड़ मुझे देखने को नहीं मिल रहा है। फाइनली दोस्तों, हमने एक ऐसा स्टेशन देखा है जिसको स्टेशन के पूरे दीवार पर तरह तरह के बैठे भी हैं। तो ये स्टेशन अद्भुत लग रहा है, देखने में काफ़ी सुंदर लग रहा है। मुझे तो ये स्टेशन बेहद ही पसंद लगा क्योंकि दोस्तों इसकी डिजाइनिंग ही अलग से अलग है और हर जगह पे अलग अलग पेंटिंग की गई, इसलिए इसकी डिजाइन और बनावट और सजावट काफ़ी सुंदर है मुझे और देखने लायक है। मध्य रात्रि हो चुकी है और देख सकते हैं कि स्टेशन पर भी बहुत ही कम लोग देखने को मिल रहे हैं। लग रहा है कि स्टेशन ये है ही नहीं, स्टॉपेज यहाँ पर है ही नहीं, लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। अभी रात के 12 बजे हैं और यह रेलवे स्टेशन पे दोस्तों इलेक्ट्रिक सीढ़ी तो लगा देती है पर कभी चालू नहीं रहता है। तो दोस्तों, पूरे 36 घंटे का सफ़र तय करने के बाद 1600 किलोमीटर तय हुआ है और आज मैं महाराष्ट्र पे कदम रखा हूँ। ट्रेन से उतर कर मैं वीडियो शूट नहीं कर पाया क्योंकि काफ़ी ज़्यादा नींद लग रहा था, आलसी हो गया था तो कुछ भी शूट नहीं किया। और फिलहाल उसके बाद मैं आज फर्स्ट टाइम दुतला बस पे चढ़ा जिस पर सीट बहुत ही कम थे, डबल फ्लोर था। उस पर भी वीडियो मैंने शूट करने का प्रयास किया लेकिन उस पर लाइट नहीं थे क्योंकि सबका पर्सनल रूम टाइप का था और बाहर पे लाइट नहीं था। होप आपको आज का ब्लॉग काफ़ी पसंद आया, तो वीडियो को लाइक करते हुए चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट कुछ ऐसे ही इंटरेस्टिंग ब्लॉग के साथ। जय हिंद, जय भारत, बाय।